महाराष्ट्र में लगा नाइट कर्फ्यू, रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक रहेगा यह कर्फ्यू। ओमिक्रॉन के बढ़ते मामले पर उठाया गया कदम। क्रिसमस और नए साल के जश्नों को देखते हुए बीएमसी ने मुंबई में कई तरीके के प्रतिबंध लगाए हैं ताकि हॉल या खुले मैदान पर ज़्यादा भीड़ जमा ना हो सके। बीएमसी कमिश्नर IS चहल द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार मुंबई में कहीं भी 200 लोगों की भीड़ एकत्र होने के लिए असिस्टेंट कमिश्नर से लिखित में परमिशन लेना जरूरी है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए महाराष्ट्र में रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 108 मामले पाए गए हैं, जबकि महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे से कोरोना संक्रमण के 1410 नए मामले मिले हैं। अगर मुंबई की बात करें तो 24 घंटे में 683 नए कोरोना संक्रमण पाए गए हैं, जिसे लेकर बृहन्मुंबई महानगरपालिका सहित महाराष्ट्र का स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से हिल गया है। यही वजह है कि आनन फानन में धारा 144 के साथ नाइट कर्फ्यू भी लगा दी गई है। मुंबई के मलाड स्थित पल्लव चर्च काफ़ी प्रचलित है। चर्च में लाखों की संख्या में क्रिसमस फेस्टिवल के लिए लोग यहां पहुंचते हैं, लेकिन इस साल कोरोना ने अपनी दहशत फैला दी है और यही वजह है कि नाइट में होने वाले सारे कार्यक्रम रद्द किए गए हैं। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मुंबई पुलिस चप्पे चप्पे पर तैनात है और आने जाने वालों के ऊपर कड़ी नज़र बनाए रखी है। वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, लिंक रोड या फिर SB रोड हो, हर जगह पुलिस नाकाबंदी करके कोरोना संक्रमण के प्रति सख्ती बरत रही है। लगातार महानगर पालिका और मुंबई पुलिस की तरफ से लोगों को आह्वान भी किया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। अशा पद्धतीने सुद्धा त्या ठिकाणी गर्दी करू नये, 250 जास्त गर्दी एका वेळी करू नये अशी त्यामधली अपेक्षा आहे। तर ही एक अपेक्षा आहे आणि दुसरी महत्त्वाची आहे की रात्री 9 वाजेपासून सकाळी पहाटे 5 वाजेपर्यंत या दरम्यान आपण 144 म्हणजे जमावबंदी ही लागू करण्यात आलेली आहे आणि त्याच सुद्धा सहकार्य करावं। 5 पेक्षा अधिक जास्त लोक या कालावधीमध्ये एकत्रपणे राहू नये किंवा त्या दृष्टिकोनातून काळजी घेण्याची आवश्यकता आहे। रेस्टॉरंट्स असतील, अन्य काही बाबी असतील, या सगळ्या ठिकाणी हॉटेल्स वगैरे या ठिकाणी 50% कॅपॅसिटी प्रमाणे जे पूर्वीचा निर्बंध आहे तोच लागू राहील। त्यामध्ये कुठेही काही वाढ करण्याचं काम किंवा काही अधिक कडक करण्याचं काम कुठेही झालेलं नाही।